हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग हिंदी विद अभिनव देशमुख। तो आज हम इस चैनल पे पढ़ने वाले 10वीं हिंदी लोकवाणी दसवीं कक्षा का, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ नंबर 2 खोया हुआ आदमी। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो मैंने पाठ नंबर 2 खोया हुआ आदमी खोल दिया है। इस पाठ के लेखक है सुशांत सुप्रिय। तो इनका परिचय देखते हैं, 1965 में इनका जन्म हुआ है पटना बिहार में। मतलब ये जो सुशांत सुप्रिय है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है, बिहार में हुआ है। परिचय, रचना धर्मी सुशांत सुप्रिय जी को जीवन का अभिन्न अंग है। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाई और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करती है। अपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी लेखन किया है। आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। तो ये बहुत बड़े लेखक है। कौन? सुशांत सुप्रिय। इनके ये अंग्रेजी में और पंजाबी भी इनके लेखक है, और इनके लगभग 500 से भी ज़्यादा पत्रों में छपी गई है। तो गद्य संबंध प्रमुख कृतियाँ, एक बूंद यह भी, मतलब इनकी जो 5-6 लेख है, एक बूंद यह भी, कविता संग्रह हत्यारे तथा हे राम, कथा संग्रह इन गांधी जीज कंट्री, अंग्रेजी कविता संग्रह इत्यादि। गद्य संबंधी, प्रस्तुत वर्णात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कुरीतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया गया है। तो अभी हम सबको पता है कि जो हमारे समाज में क्या चालू रहते हैं कि देखिए ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऊंचा ये नीचा, इसकी जाति है उसकी जाति है। तो इससे इस खोया हुआ आदमी से ये हमें दर्शाया गया है हमें इस पाठ में। इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी पशु पक्षी मानव सबसे आदर प्राप्त करना कर सकता है। यह लेखक ने सभी को सरल रहने से सीखा प्रथा दिन की, और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक काम में लगाने को कहा है। तो खोया हुआ आदमी ने सबको बताया कि हमें यहाँ से क्या ज्ञान मिलता है कि देखिए अगर हम अच्छे कार्य करते तो हमारा पशु पक्षी ये सब प्राणी हमारा आधार रखते हैं, अगर हम नहीं करते तो हमारा कोई भी आधार रखता नहीं है, ऐसे इस कहानी में बताया गया है। और जो अपनी ऊर्जा है सकारात्मक, मतलब अच्छे काम के लिए हमें अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते। कई वर्षों की बात है, एक पुराना गाँव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकते हुए दूर दराज के उस गाँव में आ पहुँचा था। तो देखिए एक बहुत मतलब कई वर्ष के बाद, मतलब बहुत पुरानी बात है, एक गांव है और एक आदमी न जाने मतलब कहाँ से आया था उसे ही पता, मतलब क्योंकि देखिए वो कहाँ से आया था वो उसको भी नहीं पता था, और न जाने वो कहाँ से भटकता हुआ, मतलब यहाँ से वहाँ भटकता हुआ वो आ पहुँचा था। गाँव के कुत्तों ने जब चितड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा, वे उस पर बेहताशा भोंकने लगे। तो देखिए अभी कोई पागल इंसान दिखता है किनको? कुत्ते। वो जो इंसान था वो कैसे चिटड़ों में लिपटा था, इसलिए उसको देख के उनको लगता है कि ये पागल इंसान है, और उस पर वो कुत्ते भोंकते लगते हैं। गांव के बच्चे खेल रहे थे कुत्तों की देखा देखी में, गांव के बच्चे भी पूरा दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। तो देखिए अभी कुत्ते तो भोग रहे उस इंसान पर देखिए अभी बच्चे भी खेल रहे थे, और छोटे बच्चे मतलब कैसे उस कुत्तों को सहकार्य कर रहे थे और उसे छेड़ रहे थे, उसे पत्थर मार रहे थे, और पूरे दोपहर वो क्या करते उस आदमी को क्या करते तंग करते हैं। और फिर आश्चर्यचकित बात यह है, मतलब क्यों अगर हमें कोई मारेगा तो हम उसको पटकन से मारते हैं, पर देखिए वो कुछ भी नहीं कर रहा था, ना मार रहा था ना कुछ बोल रहा था। जब गाँव के बच्चे फेंकते हुए जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उस गरिमा के चिन्ह दिखे। तो देखिए एक भला आदमी और वो उसके पास जाता है और उसे समझ में आता है कि ये खोया हुआ आदमी है, ऐसा उस भले आदमी को समझ में आता है। ये आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। देखिए जो भला आदमी है मतलब जो अच्छा इंसान है उसे क्या लगता है कि ये आदमी तो पागल ही नहीं हो सकता, ऐसा उसे लगता है। और फिर गांव के उस अंगतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वो कोई उत्तर नहीं दे सका। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खोया गया हूँ।
यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। तो देखिए जो भला आदमी है वो क्या करता है, उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा पत्ता क्या है, वो सब पूछता है। तो फिर वो बोलता है कि मुझे ये सब याद नहीं है, पर मुझे इतना लगता है कि मैं खोया हूँ। तो तब से वो उस मतलब वो भला आदमी और वो गाँव वाले सब लोग उसे क्या कहते हैं, खोया हुआ आदमी कहकर बुलाते हैं। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था, उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। तो देखिए वो खोया हुआ आदमी इतना खो चुका था मतलब कि उसे कुछ भी याद नहीं था, अपना पता, नाम, गांव, वो सब कुछ भी याद नहीं था और कुछ भी याद नहीं था स्मृति से लोप, मतलब जो उनकी जो मन में से और उनके मेंदू में से सभी वो निकल गया था। ऐसा बोलते न उसे अपनी जात पता थी न अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसे परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। देखिए वो खोए उसमें खोएपन है और उसमें ऐसा कुछ था कि जो आपने अपना सा बना रहा था, मतलब जो अपने को उसके जैसा ही बना रहा था, ऐसा ऐसे लेखक कहते हैं। लिहाज जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोले उठे, अरे ये खोया आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है, उन्होंने इसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वो आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। तो जब वो आदमी भला आदमी पूरे गांव वाले लोगों के सामने लेके जाता है इसे, तो फिर सब लोग बोलते अरे इसमें कुछ तो अपना सा लग रहा है, और फिर सब लोग निश्चित करते हैं कि हम इसको अपने गांव में रखेंगे। और खोया जो जो आदमी है, मतलब वो खोया हुआ आदमी, वो भी तैयार हो जाता है बाहर रहने के लिए। खोया हुआ आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वह अपने सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उसे उस गाँव के गाय भैंसे उस गीत की सुर ले रहे में से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। तो देखे वो सच कहा है कि किसी हर इंसान के पास कुछ ना कुछ तो अच्छे गुण होते हैं। वैसे ही जो खोया हुआ आदमी था उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी, मतलब उसके आवाज़ उसका कंठ बहुत अच्छा था, उसका आवाज़ बहुत ही अच्छा था। और फिर जब वो अपने स्वर में कोई पुराना गीत गाता था तो तभी क्या करते थे गाँव के गाय भैंसे वो क्या करते मंत्रमुग्ध, मतलब उसे उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता था, वो टल्लीन हो जाते थे उस गाने में सुनने में, और वो कभी कभी ज़्यादा दूध देने लगती थी। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग को भी उसके गीत उनकी व्यवस्था के अंदर अतीत की याद दिलाते। देखिए जो अभी जो गांव के बच्चे रहते हैं वो भी उसकी ओर खींचे चले जा रहे थे, मतलब क्यों तो उसका गीत सुनकर, और जो बड़े बुजुर्ग है वो उसका गाना सुनते तो उन्हें लगता है कि अभी हम जवानी में आ गए है, ऐसा उस बड़े बुजुर्गों को लगता है। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहाँ आया था गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे, गांव के तितलियाँ ज़्यादा मोहक लगने लगी थी, गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लग रहे थे, गांव के बच्चे भी आप ज़्यादा खुश रहने लगे थे क्योंकि बच्चों की वह सम्मानित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। गाँव के कुत्ते भी अब उसके सगे हो गए थे। तो देखिए अभी ये खोया हुआ आदमी सबका परिचित हो गया था, और सब लोगों को उसका लगाव हो रहा था। सब लोग के ध्यान में आता है कि जब से खोया हुआ आदमी हमारे गांव में आए तब से फूल लगने लगे, मतलब बहुत सारे फूल लगने लगे, तितलियाँ वो सब दिखने लगे, जुगनू की संख्या भी बहुत बढ़ गई ऐसा लगता है, और वो पूरा जुगनू पूरा रोशनदार करते ऐसा लगता है। गाँव के बच्चे भी ज़्यादा खुश रहने लगे क्योंकि वो बहुत अच्छा गीत बोलता था, सबसे अच्छा बर्ताव करता था, और जो गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो तो उस चले हम पेज नंबर अगला देखते सगे हो गए थे। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे। तो देखिए जो गांव के कुत्ते थे वो अभी उसको बहुत सम्मान दे रहे थे, गार्ड ऑफ ऑनर मतलब एक सम्मान देना ऐसे उसे कहते हैं, और वो अभी कुत्ते उस खोए हुए आदमी के सगे बन चुके थे। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्ध को सपना आया कि वो अपना खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी के अपने सपने के बारे में बताया। खोया हुआ आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्ध को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगी।
देखिए उन्हीं दिनों में क्या हुआ, एक बूढ़ी इंसान थी जिसे लगता है कि ये खोया जो ये बेटा है, जो ये खोया हुआ आदमी, ये मेरा ही बेटा है ऐसा उसे लगता है। और वो बहुत ही गरीब थी। वो क्या करती थी, घास काटती थी, उपले थाप कर और पेड़ पौधे के और लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर अपना संसार चलाती थी। और फिर खोया हुआ आदमी को अपना सपने के बारे में बताती है, तो फिर खोया आदमी भी उसे खुशी खुशी अपनी माँ मान लेता है और उसकी सेवा करता है, और उसकी सेवा धन्य हो जाती है। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पक्षियों से बात करता प्रतीत होता था, लगता था जैसे वह पशु पक्षियों को की भाषा जानता हो। वह आंधी, तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या चिड़ियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता था। तो देखिए अभी क्या हुआ, धीरे धीरे गाँव वालों को ऐसा एहसास होता है कि ये जो खोया हुआ आदमी है, इसके पास अलग ही कुछ गुण है, बहुत ही अच्छे सारे गुण है। वो पशु पक्षी से बात करता था, मतलब वो जान सकता था कि पशु पक्षियों के मन में क्या चले, और वो उनसे बात करता प्रतीत भी होता था, लगता था वो पशु पक्षियों की भाषा जानता हो वह। और देखिए अभी जो आंधी, तूफान, चक्रवात और तितड़ियों और जो ओला ये रहता है, वो उस इस सब दुष्काल मतलब ये जो पूरे मतलब अभी देखिए हम सबको पता है कि आंधी आने से बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो ये नुकसान आने के पहले ही वो गाँव वालों को बता देता था कि देखिए अभी तूफान आने वाला है ऐसा वो सब बता देता। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलधार बारिश होने लगी, सूखी प्यास मिट्टी तृप्त हो गई, बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन में खोया हुआ आदमी गांव में सबका चेहरा हो गया। तो देखिए एक बार क्या हुआ था गांव में कि सूखी स्थिति आ गई, मतलब बारिश ही नहीं गिरी थी उस साल। और तभी जो खोया हुआ आदमी है वो क्या करता है, अपने आकाश में देखता है, और आकाश में देखकर कुछ तो आकाश से बोल रहा है ऐसा प्रतीत लोगों को होता है। फिर कुछ ही देर बाद जल्दी से बारिश गिरती है और मिट्टी तृप्त हो जाती है, मतलब जो गर्म मिट्टी थी वो ठंड हो जाती है, और जो बड़े बुजुर्ग गाँव के लोग रहते हैं वो सारा भीगने का आनंद ले रहे थे। और उस दिन से जो खोया हुआ आदमी है वो गांव वालों के लिए चहेता बन गया, मतलब गांव वाले उसके चहेते ही बन गए थे। ये हमारे वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।